विकास के मायने बदलते जा रहे हैं। लोकतंत्र में विकास की परियोजनाएं लोगों के सहभाग के आधार पर लोगों की राय से बननी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार चाहे बिहार सरकार कहीं की भी सरकार, इनकी जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनती जा रही हैं उसमें ना तो लोगों का सहभाग है ना ही लोगों की राय ली जा रही है। हम लोग ऐसे ही एक जगह पे बैठे हैं जहाँ पे केंद्र सरकार का रेलवे प्रोजेक्ट आ रहा है। इसकी शुरुआत 7-8 साल पहले ही हो चुकी है। अब यहाँ पे ट्रैक्स बिछते जा रहे हैं और लोगों के विस्थापन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन लोगों ने भी ठान ली है कि जब तक हमारा हक हमको नहीं मिलता, जब तक हमको यहाँ से पुनर्वासित नहीं किया जाता, तब तक यहाँ से हम विस्थापित नहीं होंगे। कब से यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ रह रहे हैं 1972 से। अच्छा, और यहाँ क्या बन रहा है? ये रेलवे बन रहा है। कहाँ से कहाँ तक के लिए? हाजीपुर पटना। अच्छा, और इसके लिए क्या आप लोग का घर उजाड़ने का सरकार कोशिश कर रहा है? जी, नोटिस दिया है। तो आप लोग क्या कहते हैं कि ये रेलवे नहीं बनना चाहिए? रेलवे बनना चाहिए, लेकिन इसके पहले हम लोग को पुनर्वास करने की कोशिश सरकार को करना चाहिए। आप यहाँ नहर के रहने वाले हैं, नहर पर आपका घर हुआ? जी। ये जो रेलवे प्रोजेक्ट बन रहा है ये आपको क्या लगता है, सही है गलत है? नहीं, तो हमको गलत है, हमको हटा रहा था, गलत कैसे, सही कैसे रहे? अच्छा, तो आपको रेलवे प्रोजेक्ट से कोई दुश्मनी तो नहीं है? नहीं, दुश्मनी नहीं है। हाँ हाँ, नहीं। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? खाली हमको जमीन चाहिए, हम रेलवे का ये अपना चालू कर देते। लोगों ने कभी केंद्र सरकार के सामने, कभी राज्य सरकार के सामने, कभी ब्लॉक के सामने, कभी अनुमंडल के सामने, प्रमंडलीय आयुक्त के सामने, डीएम के सामने, कमिश्नर के सामने, कई जगह जाकर के अपनी बात कही है। हाईकोर्ट के सामने जनहित याचिका भी फाइल की थी, जिसके ऑर्डर के रूप में हाईकोर्ट ने सरकार को यह आदेश दिया है कि 4 महीने के अंदर लोगों का पुनर्वास किया जाए और पुनर्वास से पहले विस्थापन नहीं किया जाए। नोटिस आया है, फिर भी उस पर हम लोग जब तक नहीं पुनर्वास होगा, जब तक हम लोग यहाँ पे जान दे देंगे, लेकिन इस जमीन को नहीं छोड़ेंगे। इस संघर्ष ने हमको फिर से सोचने के लिए एक बार मजबूर कर दिया है। कई सवाल हमारे सामने हैं। क्या सरकार कोई भी प्रोजेक्ट बनाएगी तो उससे विस्थापितों के बारे में नहीं सोचेगी? क्या विकास के नाम पर कुछ लोग विस्थापन का शाप झेलने के लिए हर समय मजबूर रहेंगे? इन सवालों के साथ इंडिया अनहर्ड से वर्षा।